हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी आसर यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, ट्वेंटी एक एपिसोड नंबर 301 में आप सभी का स्वागत है। कि आपके गर्म गर्म क्वेश्चंस का गर्म गर्म रिप्लाई देने वाला बिल्कुल दिल से ऑनेस्टी के साथ में। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं प्रतीक मन्ना, ये बोलते हैं विच इज द बेस्ट कैमरा कर्व डिस्प्ले फोन अंडर 35K प्रायोरिटीज, डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट एंड 256GB स्टोरेज। तो मैं बोलूंगा अपकमिंग अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल का वेट करो। वन प्लस 11R बताया जा रहा है 35 से 37,000 रुपीज तक के मिल सकते हैं, सारे बैंक ऑफर लगा के। कर्व डिस्प्ले भी है, कैमराज भी बढ़िया है, वो प्राइस पॉइंट पर काफी सॉलिड डील है, तो उसका वेट करना बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहे राजू, ये बोलते हैं भाई बीबीडी सेल में iPhone 12 128 iPhone 13 लू लॉन्ग टर्म यूज के लिए इनको चाहिए। iPhone 13 कितना प्राइस पॉइंट रहेगा, EMI अवेलेबल होगा या नहीं। लव फ्रॉम असम, लव टू फ्रॉम मुंबई, यस EMI आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। iPhone 12 अगर आप 13 तक के अगर आपका बजट जा सकता है तो मैं बोलूंगा 13 परचेस करना, 12 को आप स्किप कर दो, पुराना हो चुका है। एंड iPhone 13 का जो 128 वाला वेरिएंट है बीबीडी सेल में बताया जा रहा है 43 से 45,000 रुपीज के बीच में आपको देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहे अमन पाल, ये बोलते हैं सर व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ रियलमी GT Neo 3 एंड रियलमी GT 2 प्रो इन बीबीडी सेल। तो जो रियलमी GT Neo 3 का जो 80 वॉट चार्जिंग वाला जो वेरिएंट है वो आपको अंडर 25,000 मतलब वही 23-24,000 रुपए के आसपास मिलेगा। एंड देन जो GT 2 प्रो है अभी करंटली 30,000 रुपए में मिल रहा है, बीबीडी सेल में भी उसके आसपास ही देखने को मिलेगा, उससे कम होने के चांसेस बहुत ही कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछ रहे राजेश कुमार, ये भाई ने बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा है। तो बेसिकली इनका क्वेश्चन ये है कि ये मतलब झारखंड से है एंड ये बोल रहे मतलब ये वीडियोस वगैरह देखते हैं, इनका बजट है 40,000 रुपीज का, बेस्ट कैमरे वाला स्मार्टफोन चाहिए इनको, Xiaomi 12 Pro मतलब अच्छा लगता है स्मार्टफोन। एंड अभी करंटली जो Amazon पे 42,000 रुपीज का है, बैंक ऑफर वगैरह के साथ में 40,000 रुपीज का मिल रहा है, तो ये बोल रहे अभी लेना चाहिए या ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल का वेट करूँ, ये फोन लूँ या ना लूँ। तो देखो, अगर आपको फोन अच्छा लगता है, कैमरा नो डाउट बढ़िया है, फ्लैगशिप ग्रेड का आपको डिस्प्ले मिल जाता है, ओवरऑल फोन काफी जबरदस्त है, लेकिन अगर आप 40,000 रुपए इन्वेस्ट करो, मैं बोलूंगा कुछ दिनों का वेट करो, जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में ये सेल में बहुत तगड़े वाला ऑफर मिलने वाला है, मे बी अराउंड 35,000 रुपीज में भी ऑफर लगा के मिल जाए, तो वेट करना बनता है। फोन डेफिनेटली आप ले लो, लेकिन वेट करो, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में आपके कुछ ज्यादा सेविंग यहां पर ये फोन पे हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं निशान चौहान, ये बोलते हैं हेलो भाई लव फ्रॉम यूपी, लव यू टू फ्रॉम मुंबई, ये बोल रहे हैं भाई व्हाट इज द प्राइस ऑफ रियलमी 11 प्रो विद कार्ड डिस्काउंट एंड इट इज गुड फॉर लिटिल गेमिंग एंड डेली वर्क, लव यू। लव यू टू भाई, एंड यस डेफिनेटली नॉर्मल यूज के लिए रियलमी 11 प्रो काफी सही है, डिस्प्ले भी बढ़िया मिल जाता है, स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट है, मतलब ओवरऑल अच्छा स्मार्टफोन है। एंड बीबीडी सेल में अपकमिंग बताया जा रहा है ये 21 से 22,000 रुपए के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहे टीसो एंटरटेन, ये बोलते हैं बेस्ट स्मार्टफोन विद बेस्ट कैमरा एंड गेमिंग परफॉर्मेंस 20K on BBD sale, love from heaven. ओके, तो 20,000 रुपीज में आपको कैमरा गेमिंग चाहिए, मैं बोलूंगा रियलमी GT 2 स्मार्टफोन का वेट कर लो, ये आपको 20 से 22,000 रुपए में सारे ऑफर लगा के मिलने वाले, एक्सीलेंट कैमरा परफॉर्मेंस, एक्सीलेंट ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी, तो रियलमी GT 2 का मैं बोलूंगा बीबीडी सेल का वेट कर लो। नेक्स्ट यहां पर पूछ रहे राउडी राठौड़, ये बोलते हैं सर फ्लिपकार्ट बीबीडी सेल वर्सेज अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में से ज्यादा डिस्काउंट किस पे मिलता है, प्लीज रिप्लाई बिग फैन। तो देखो पर्सनली मैं यहाँ पर जो 5-10 साल से यहाँ पर जो सारे ऑफर्स वगैरह देख रहा हूँ ना दोनों का कंपैरिजन, तो ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो अमेजोन फ्लिपकार्ट दोनों पे जो कपड़े से लेके जूते से लेके हर एक चीज़ में बराबर के डिस्काउंट देते हैं, लेकिन अगर आप स्मार्टफोन्स की बात कर रहे हो ना, मतलब फ्लिपकार्ट को अमेजोन बीट नहीं कर सकता है, क्योंकि रियलमी पोको इन्फिनिक्स जैसे ब्रांड भाई 10-10, 15-15 हज़ार रुपये के डिस्काउंट देते हैं, वही अमेजोन पर जो ब्रांड है वन प्लस हो गया एंड बाकी के जो ब्रांड है इतना ज़्यादा डिस्काउंट वो लोग नहीं देते। तो स्मार्टफोन के मामले में बीबीडी सेल या ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल की बात करें तो फ्लिपकार्ट वे अहेड इन टर्म्स ऑफ गिविंग डिस्काउंट एज कंपेयर टू अमेजोन से। वैसे आपके हिसाब से फ्लिपकार्ट ज्यादा डिस्काउंट देता है या अमेजोन देता है, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछ रहे आयान 12, ये बोलते हैं ब्रो क्या IQ Neo 7 Pro का 256GB रैम वाला वेरिएंट, 256GB स्टोरेज 12GB रैम वाला वेरिएंट अंडर 30,000 रुपीज में मिल सकता है कि इंक्लूडिंग बैंक ऑफर, लव यू ब्रो, भाई लव यू टू। एंड नहीं यार, इसका जो 128GB वाला वेरिएंट है वो अराउंड आपको 30-31,000 रुपीज के आसपास मिल सकता है, जो 256 वाला वेरिएंट है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछ रहे शाकिब ब्राइन, ये बोलते हैं सर बीबीडी सेल में 15,000 रुपए तक के कौन सा फोन बेस्ट रहेगा, प्रायोरिटीज परफॉर्मेंस एंड कैमरा। तो बीबीडी सेल में कौन कौन से फोन 15,000 रुपए में एक्जैक्टली में मिलेंगे अभी आइडिया नहीं है, बट इन्फिनिक्स नोट 35G, पोको X5 5G, ये दोनों स्मार्टफोन ये प्राइस पॉइंट पे सॉलिड है, बीबीडी सेल का वेट करो, जैसे ही कुछ भी डील्स रिवील्ड होती है डेफिनेटली आपको चैनल पे वीडियो देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट पूछ रहे यहाँ पर रोहित, ये बोलते हैं रियलमी
10 Pro वर्सेस Realme 10 Pro Plus कौन सा लेना चाहिए? दोनों फोन रिकमेंड नहीं करूंगा, पुराना हो चुका है। Realme 11 सीरीज आ चुकी है तो 10 सीरीज आप क्यों लोगे? 10 Pro को तो यार कितना भी डिस्काउंट मिले आपको परचेज नहीं करना है। 10 Pro Plus हाँ, अगर 16-17 हज़ार रुपए में आपको ऑफर में मिलता है, अगर आता है ये डील तो डेफिनेटली आप लोग के साथ में शेयर करूंगा वो प्राइस पॉइंट पे। 10 Pro Plus एक बार आप देख सकते हो, लेकिन 10 Pro को स्किप कर दो। नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहे यदुवंशी बॉय अजय, ये बोलते हैं प्लीज सजेस्ट मी द बेस्ट फोन अंडर 30-32 के बीबीडी सेल, ग्रेटर देन फेस्टिवल सेल, विद फ्लैट डिस्प्ले, बेस्ट परफॉर्मेंस। आई एम यूज, मतलब 4-5 साल ये इस्तेमाल करते हैं। दो फोन रेकमेंड करूंगा, IQ Neo 7 Pro 5G या OnePlus Note 3। ये दोनों में से कोई भी फोन ले लो, 30,000 रुपीज में 4-5 साल आराम से निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहे यशवंत, ये बोलते हैं भाई ने 3 क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन है ग्रेटर देन फेस्टिवल सेल कब आएगा, तो वही बीबीडी सेल के आसपास, मतलब 11-12 अक्टूबर के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा ये पूछ रहा है Realme Narzo 60 15K में मिलेगा क्या, बाय नॉट बाय? ओके, 15,000 रुपए में, यस डेफिनेटली 15-16 हज़ार रुपए में Narzo 60 जो AMOLED वाला आता है ना वो आपको देखने को मिल सकता है। एंड तीसरा ये पूछ रहे हैं Moto Edge 40 Neo बिग बिलियन डे सेल का प्राइस क्या होगा। देखो जो Moto Edge 40 Neo स्मार्टफोन का बेस्ट प्राइस पॉइंट है ना, इसके पहले फ्लैश सेल में आपको देखने को मिलेगा जो कि 20-21 हज़ार रुपए में देखने को मिल रहा है। बीबीडी सेल में मे भी शायद इससे ज्यादा में बेच सकते हैं क्योंकि उनको Edge 40 बेचना रहेगा, तो Neo वाला अगर आपको परचेस करना है तो बीबीडी सेल का वेट करने का मतलब नहीं है, पहले फ्लैश सेल में परचेस कर लो 20,000 रुपए में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछ रहे ऋतिक, ये बोलते हैं बिग बिलियन डे सेल डेट क्या है, मतलब तो ये आपको 12-13 अक्टूबर के आसपास स्टार्ट होते हुए दिख जाएगा। नेक्स्ट यहां पर पूछ रहे सुजाता, ये बोलते हैं लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल, लव यू टू फ्रॉम मुंबई, एंड ये बोले अंडर 20K में बीबीडी सेल और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में बेस्ट फोन बता दो, बहुत कंफ्यूज हूं। मतलब फोकस इनका ये है कि कैमरा बढ़िया रहना चाहिए, एवरेज गेम प्ले है, कर्व डिस्प्ले चाहिए, लव यू टू, एंड यहां पर कर्व डिस्प्ले वाला फोन चाहिए। दो फोन रेकमेंड करूंगा 20-21,000 रुपीज में। पहला रेकमेंड करूंगा Moto Edge 40 Neo जो करंटली अभी जो लॉन्च हुआ ना कर्व डिस्प्ले के साथ में वो। दूसरा स्मार्टफोन जो Infinix 035G कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ था 50 मेगापिक्सल सेल्फी के साथ में, तो ये दोनों स्मार्टफोन परचेस कर लो, आप निराश नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछ रहे हाशिम कुमार दुलाई, ये बोलते हैं सर Realme GT 2 वर्सेस Realme GT Neo 3 कौन सा बेटर है? Realme GT 2 बेटर है बिकॉज वहाँ पर Snapdragon 888 है, Snapdragon के प्रोसेसर लॉन्ग टर्म में मैंने नोटिस करो बहुत बढ़िया रहते हैं। एंड आपको जो GT 2 में जो एक साल का ज़्यादा अपडेट मिलेगा, मतलब Android 15 तक के जाएगा, जबकि GT Neo 3 जो है वो आपका Android 14 तक ही यहाँ पर जाने वाला है, तो GT 2 सेम प्राइस पॉइंट पर मिलता है, तो एनी डे Realme GT 2 के साथ में चले जाना। नेक्स्ट पूछ रहे यहाँ पर अननोन यूट्यूबर, ये बोलते हैं लव फ्रॉम महाराष्ट्र, लव यू टू फ्रॉम मुंबई। ये बोले मेरा क्वेश्चन ये है कि गूगल पिक्सल 6 से बीबीडी सेल में कितने प्राइस पॉइंट पे होगा, क्या ये फोन इस प्राइस पॉइंट पे लेना अच्छा होगा? तो बीबीडी सेल में बताया जा रहा है सारे ऑफर लगा कि ये स्मार्टफोन आपको 21-22 हज़ार रुपए में देखने को मिल सकता है। सभी को रेकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन अगर ऐसे टाइप के यूजर हो, कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर है, ब्रांड वैल्यू आपको मैटर करती है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस क्लीन चाहिए, सबसे बेस्ट कैमरे वाला स्मार्टफोन चाहिए 21-22 हज़ार रुपए में, डेफिनेटली देख सकते हो। लेकिन जो भी लोग गेमिंग करते हैं, हैवी इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को रेकमेंडेड नहीं है। नेक्स्ट यहां पर पूछ रहे इनोसन अर्जुन, मेरे ब्रो क्या रेडमी नोट 13 प्रो में IP68 की रेटिंग मिलेगी? तो Redmi Note 13 Pro पे नहीं मिलेगी, 13 Pro Plus पे आपको देखने को मिलती है। सो गाइस ये ओवरऑल यहां पर आपने कुछ धमाकेदार क्वेश्चन पूछे थे, आई होप सो कि मैंने बराबर से रिप्लाई कर दिया हो। कोई क्वेश्चन छूट गया, कोई क्वेश्चन रह गया, कोई क्वेश्चन अभी के अभी अगर आपके माइंड में आए तो बेझिझको के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सो होप कि सुनाई नहीं होगी, एंड कैसा अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।